नमस्कार दोस्तों दोस्तों फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर बर, वर्तमान समय में बिग सेविंग डेज का सेल चल रहा है जिसके अंदर तो आपको जो डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का देखने को मिलता है तो चलिए आज इस इसी पर हम बात करेंगे बिकॉज अगर आप फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलेगा तो वहाँ पर आपको एक लेयर चलता हुआ नजर आता होगा जिस पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा यू हैवन एक कूपन जिसके अंतर्गत आपको बता रहा हो कि 51 परसेंट का डिस्काउंट मिल सकता है या फिर ऑफ मिल सकता है तो यह किस तरीके से वर्क करेगा और इसका यूज़ कैसे करना है आज की इस वीडियो में इसी पर हम जानकारी देने वाले हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा देखिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपना फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख पाओगे कि मेरे फ्लिपकार्ट के अकाउंट में ऐसा यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है लेकिन आपको पक्का दिखा होगा अगर आप प्लस मेम्बर नहीं होगे तो बिकॉज मैं यहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा करता हूँ इसलिए मुझे ऐसा प्रलोभन नहीं दिया जाता है प्रलोभर उसी को दिया जाता है जो उस चीज को यूज ना कर रहा हो ताकि उसी बहाने वो यूज करना शुरू कर दे तो इसी के बारे में जानकारी देता हूं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपने यहाँ आप पर एक बैनर देखा जिसमें आपको पता चल रहा था कि आपको यहाँ पर फिफ्टी वन परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है तो ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा देखिए सबसे पहले बता दो नॉर्मल तरीके का डिस्काउंट तो पे जो अभी सेल चल रहा है इसके दौरान आपको जो है बैंक ऑफर मिलता है एक्सेंस ऑफर मिलता है प्लस में ई एमआई ऑफर मिलता है प्लस में प्रीपेड सेशन का डिस्काउंट मिलता है मतलब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके बाई कीजिएगा तो कुछ ऐसे फोन होते हैं जिस पर आपको डिस्काउंट सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने से ही मिल जाता है लेकिन यहाँ पर जो आपको कार्ड दिख रहा होगा जिसमें आपको दिखा रहा है कि फिफ्टी वन परसेंट का डिस्काउंट मिल सकता है ये काफी इजी है और मिलना लाजमी है अब कैसे मिलेगा चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं तो आपने यहाँ पर कूपन देखा होगा मेरे अकाउंट में नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन मेरे दूसरे अकाउंट में जिसमें प्लस मेंबर नहीं है उसमें दिख रहा है आप यहाँ पे देख पा पाओगे देखिए इसका जो मोटिव रहता है वो हम जानते हैं देखिए सबसे पहले इसका जो मोटिव होता है अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप पे ले जाता है व्हाट्सएप ले जाने के बाद वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ये देता है कि आपको जो है इस लिंक के माध्यम से या फिर बता रहा कि आप डाउनलोड कीजिए और पहली बार अगर आप बाय कीजिएगा तो 30 परसेंट नहीं तो 50 परसेंट ऑफ देने को मिलेगा या फिर डिस्काउंट मिल जाएगा ऐसा होता है रियली में होता है और ऐसा इसलिए होता है ताकि नए नए लोग को इसी तरीके से जोड़ा जाता है पिछले बार जब दिवाली का सेल आया था तो उस टाइम भी इसी तरीके से था मतलब कुछ ऐसा रस आवर था जिसके अंदर आप बाय करते या फिर न्यू अकाउंट से बाय करते तो आपको जो है कुछ स्मार्टफोन फ्री में भी मिल जाता था ऐसा इसलिए होता था ताकि नए लोग जुड़ पाए बिकॉज इसका जो मेन मोटिव ये होता है कि जो लोग का एप्लीकेशन नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिया जाए और वो व्हाट्सएप पर कुछ इस तरीके से लिंक भेजवाते हैं ठीक है और भेजने के बाद देखिए होता है क्या है तो आपको जो सबसे पहले नया फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाना होगा और नया फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाने के साथ उसमें नया नंबर और नया ई भी एड करना होगा ये करने के बाद क्या होता है कि आपको बाय करना है यहाँ पर जो बिग सेविंग का सेल चल रहा है ये चलने वाला है इक्कीस दिसंबर तक इसके बीच में आपको, को भी फोन है। जो से मिलता तो आपको दिन बाद एक लिस्ट निकाला जाता है उस लिस्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे यूजर होते हैं या फिर कस्टमर होते हैं जिनका फोर्टी या फिर फिफ्टी परसेंट या फिर थर्टी परसेंट पैसा वापस कर दिया जाता है मान लीजिए कि वन थाउजेंड पीपल सेलेक्ट हुए तो उसमें से चार या फिर पांच लोगों का पैसा वापस किया जाएगा बाकी लोगों के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है तो इसका जो चांस है या फिर होने का चांस है वो काफी कम रहता है इसलिए आप ऐसे चीजों को ट्राई कीजिए बिकॉज इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा हूँ कि बहुत सारा ऑफर आपको फ्लिपकार्ट देती है जिसके अंतर्गत आपको जो है स्मार्टफोन वगैरह फ्री मिल सकता है लेकिन यहाँ पर मिलने का चांस वो काफी कम रहता है मतलब प्रोसेस इतना लेंदी रहता है थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना कि आपको कूपन दिखेगा कूपन के थ्रू आपको एक व्हाट्सएप पर लिंक होगा वहाँ पर जाके बेसिकली नया डाउनलोड करना है फिर से लॉग वगैरह करना है मतलब नया अकाउंट बना के नया फ़ोन नंबर नया ई डालके डाल के

वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा वो चीज उन्हीं लोगों को दिखेगा जो पहले से ऑर्डर करते आ रहे हैं लेकिन उनको ये मिलने वाला है नहीं तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये चीज किसी को भी नहीं मिलता है और मिलता है तो एक आध लाख परसेंट में से एक एकाध को मिलता है तो ऐसे चीजों को ट्राई नहीं करना चाहिए तो बस आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था उम्मीद करता मिलकर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा इसके बावजूद भी आपको गलम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सको धन्यवाद